नमस्कार दोस्तों, ज़बरदस्त पतंगबाज में आपका स्वागत है। ये देखिए, आपको ये रियासत भारती का मंजा दिखाया जा रहा है, इसका रिव्यू किया जा रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो रियासत भारती का मंजे में देख रहे हैं, कितनी शानदार काम किया गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इस मंजे की धार दिखाने की। ये देखिए दोस्तों, इसका कांच किस तरह से चमक रहा है। तो आप ये कांच चमकता हुआ देख रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा। देखिए दोस्तों, मैं धार दिखाता हूँ उस मंजे की। ओहो, कितनी शानदार धार है दोस्तों। हाथ फेरने से उंगली कट रही है, बिल्कुल ब्लेड की धार वाला है ये मंजा। बहुत ही शानदार काम किया गया दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। इस मंजे का नाम है शानू उर्फ लड्डन। दोस्तों ये मंजा किस्मत से मुझे मिल गया था। ये मंजा इतना सूखा हुआ, इतना प्यारा काम करता है कि सही में अगर लंबा पेड़ लड़ाया जाए तो लड्डन से जीतना मुश्किल है। मैंने इसे अपने पूरे गेम में लड़ाया है और ये सिर्फ दो या हद मार के तीन ही चरखे बचे होंगे, मेरा मानना है अब दो ही बचे होंगे। और मैंने इसे ज़बरदस्ती रोका है दोस्तों। इसने अच्छे से अच्छे पतंगबाज को धराशायी कराया अपने सूखी हुई डोर के कारण। क्या सूखी हुई डोर, और क्या दोस्तों इस पर काम किया गया है। सही में लड्डन जी काम करते हैं, ये तो बात काबिले तारीफ वाली बात है। बहुत ही सूखा और बहुत ही अच्छा मंजा इन्होंने बनाया, बिल्कुल खड़ा मंजा। और ये दोस्तों, ये मैं चरखी दिखाना चाहूँगा जिसका हैंडल टूटा हुआ है। ये देखिए, ये है फरमूद बेग की। अगर वो कवर होता तो मैं वो भी दिखाता आपको। ये फरमूद बेग का भी देख सकते हैं। मैं लाइट ज़्यादा आ रही है, लाइट में जब लाइट हटाए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा फरमूद बेग लिखा हुआ। ये देखिए, फरमूद बेग लिखा हुआ आपको दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही, जिसे बोले मीठा मन जाए, ये बिल्कुल भी दाना नहीं आता इस पर। इतना शानदार, जैसे उसमें करंट आ रहा था अभी, उसमें बिल्कुल प्लेन महीन ऐसे लगेगा दोस्तों कि मंजे में खराश नहीं हो। लेकिन दोस्तों ये शानदार काम करता है। अगर आपने फंस के लड़ा है या लंबा दिया सह में लड़ाएंगे तो ये मंजा बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी दूर जाएगा उतना ही अच्छा काम करेगा। देखो क्या शानदार सूखी डोर है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। जबकि बरसातों के दिन चल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 5-6 दिन से वीडियो बनाने के चक्कर में बाहर पड़े हुए थे मेरे, तो सीमा आई है। लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदार। और एक और मैं मंजा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फहीम का मंजा। ये फहीम जी ने, ये क्या कांटा, क्या मतलब खड़ा मंजा है। इसमें क्या दाना आ रहा है, दाना भी रेगुलर आ रहा है दोस्तों, रेगुलर। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें ऐसा खड़ा मंजा, बिल्कुल मतलब इसमें कांटा लगातार आ रहा है और एक स्मूथनेस भी है साथ में दोस्तों। ये मंजा जो होता है फंसा के लड़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप फंसा के लड़ा रहे हैं, लंबा लड़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये मंजे की यही खूबी है। और फहीम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं इन मंजे में। और ये दोस्तों, मेरे को इसका कारीगर का नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि बेचने वाले मुझसे कहा था कि ये शैम्पियन के मंजे पे बना हुआ है। मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है, लेकिन इस मंजे ने दोस्तों मतलब मैदान में एक बार के लिए मेरा पूरा साथ दिया है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें भी कम कट्टे बचे होंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा मैन से बिल्कुल लाइट डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इतना अच्छा मंजा था ये कि ये मंजा मैं वापस से लेना चाहता हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव भी था, यानी इकोनॉमिक भी था ये मंजा, और बहुत ही शानदार थे। मतलब ये कट काट वाला मंजा है, अगर एक कटेगा भी तो काटेगा भी, और ये कट रहा है तो सामने वाले पर जख्म भी देगा। और ये दोस्तों, ये देखिए YKC का मेरे पास 2012 का मंजा। इसको तो मैं लड़ाता ही नहीं हूँ, ये तो तभी काम आता है जब कोई प्रतिद्वंदी तगड़ा हो। पहले YKC जी की देखिए ऐसे चरखी आती थी और इस तरह से था। आप ये देखिए YKC की स्टी ऐसे वाले। पहले मैं तो दोस्तों कारीगरों पे महत्व नहीं देता था, मैं मंजे पर हाथ फेर के ही करता था। तो मैंने देखा कि मेरे पास सारे ही मंजे अच्छे हैं। देखिए 2012-12 लिखा हुआ है दोस्तों, तो बहुत बहुत पुराना वाला ये मेरे पास में, ये मेरे कलेक्शन में रखे, मैंने इसे रोक लिया। तो लोग बागों के पास YKC होता नहीं, और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो 2012 का। और ये देखिए अदनान सामी जी, अदनान अली जी का। देखिए अदनान अली जी का बहुत ही शानदार काम करते हैं। आपको क्या बताऊँ दोस्तों, इनके मंजे में से भी जड़ी बूटियों की सी खुशबू आती है, जैसे अपन धूप बत्ती या लोहान जलाते हैं ऐसी। और बहुत ही मतलब सही बात है, इन्होंने नाम कमाया, अपनी मेहनत से कमाया दोस्तों। बहुत ही देखिए क्या कैसे निकल रहा है मंजा, देखिए इतनी उसमें भी इनका मंजा। सही में बहुत ही शानदार काम करता है दोस्तों। और इन्होंने ये जो लगवा के दिया है मेरे लिए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था दोस्तों। तो इस मंजे की ये खूबी है दोस्तों, इसे कैसे भी लड़ाओ ये आपको हर तरह के देगा। लेकिन इसमें वेट वाली पतंग उड़ानी पड़ेगी आपको, हल्की नहीं उड़ेगी, वेट वाली पतंग है। ये भी अदनान अली जी का मंजा है और सेम क्वालिटी, लेकिन वो वाला जितना चिकना और जितना अच्छा था
उसी हिसाब से ये थोड़ा दानेदार है, इसमें कांटा है और ये मार काट के या छोटे पेजों पे भी काम करेगा। इस पे आप ठीक पतंग, मीडियम पतंग भी उड़ा सकते हैं, लेकिन उस वाले मंजे पर आपको भारी और बड़ी ही पतंग उड़ानी पड़ेगी दोस्तों। और दिखाने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन मैं वही दिखा रहा हूँ जैसे क्रीम कहते हैं, जो क्रीम का अपना ही मज़ा होता है दोस्तों। और ये देखिए, ये एक छोटी रील ज़रूर है, आप सोचेंगे ये क्यों दिखा रहे हैं अचानक ही, मगर ये स्पेशल मांझा है, ये इदरिस भाई का है, इनका जिनका ब्लॉग है 3 Tiger। दोस्तों इसको दिखाने के लिए इतना महीन मंजा है, आप देख रहे हैं कि ये दिखेगा नहीं, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। इस पर इतना प्यारा काम करा है जैसे रेशम की डोर, बिल्कुल इतना प्यारा काम, मगर लड़ाने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पर गलत मुद्दे नहीं चलते। लेकिन जब ये किसी से आर पार का खेल लड़ने पर आता है, देखिए देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा, इसका इतना पतला और इतना प्यारा मंजा है, इस पर काम किया गया है दोस्तों। ये डबल अच्छी है वैसे दोस्तों, इसको उतारने पर भी वही रंग अंदर भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये डबल अच्छी है। और भी मंजे हैं दोस्तों, और भी तरह के, ये अपने छत पे लड़ाने के लिए बहुत बढ़िया है मंजा, ये बहुत अच्छा, ये भी अच्छा मंजा है, काम अच्छा करता है, छत के लिए काफ़ी अच्छा है, ये RKG का मंजा, ये मैंने किसी के रेफरेंस के लिए कहने पे लिया था। और ये दोस्तों मेरा वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जब मेरे 12th कर रहा था तब ये मेरे पास ये मंजा था, और आज भी मेरे पास ये बचा रहेगा दोस्तों। ये है अकबर बेग, अकबर बेग जी का काम बेमिसाल था, इन्होंने गन पे बनाए मंजा, ये मंजा मेरे पास नहीं नहीं मानिए तो 20-22 साल से है। और ये इस चरखी की ये खूबी है कि मतलब आप कैसे भी लड़ाएं, फंसा के, लड़ा के, उठा के, क्योंकि तो आप वर्तमान पे बनने लगे हैं, ये गन पे बना हुआ सद्दी पर बना हुआ ये मंजा है, और पहले का काम आप देखते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त काम, मतलब ये किसी भी, उसको देखिए कितना पुराना हो गया, पेपर भी कितना पुराना हो गया है, और अब अकबर बेग जी भी नहीं रहे हैं, और वो उनका भी इंतकाल हो गया है वो सर, तो मैं यही कहूँगा उन्होंने बहुत अच्छा काम कर